सोनीपत सब्जी मंडी में लगाया गया रक्तदान कैंप। ये कैंप एसोसिएशन प्रधान ललित खत्री के द्वारा लगाया गया, जिसमें सोनीपत के मेयर निखिल मदान, सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार जी, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार, छोटी सेक्रेटरी ज्योति दहिया जी मौजूद रहीं। साथ ही साथ रक्तदान देने वालों के नाम वरुण कुमार, टिंकू जी, कमल, विकास, प्रदीप आदि लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही रक्तदान कैंप मोहित सरोहा जी अपने सभी स्टाफ के साथ मिलकर किया गया है। डॉक्टर विशाल जी ने बताया कि हमारे यहाँ खून की कमी ज़्यादा चल रही है, इसके चलते जगह जगह रक्तदान कैंप लगाकर काम कर रहे हैं, जिसमें मेयर निखिल मदान जी, विधायक मार्केट कमेटी सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। सभी आए हुए अतिथियों को प्रधान ललित खत्री जी ने रक्तदान साठी विकेट देकर सम्मानित किया। ब्लड को जो कैंप लगाया गया है, ये किस पर्पज पे लगाया गया सर? ये कह रहे हैं तो खून की बहुत कमी है और दूसरा चीज़ लोग देना नहीं चाहते खून, तो इसलिए भी लगाया गया कि खून की जो कमी है, जो हो रही है, उसको उसकी पूर्ति की जाए जी, क्योंकि आप देख रहे थे डेंगू केस बहुत फैल रहे हैं जी, तो उसको पूर्ति करने के लिए हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और इनके सहयोग के साथ हम ये कर रहे हैं काम। बहुत पुण्य काम है, देना चाहिए ब्लड, अच्छा रहता है। सर इनमें किन किन चीज़ों की चेकिंग की जाती है? पहले इसमें हर चीज़ देखी जाती है कि आपका वज़न कितना है, वज़न 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन देखा जाता है जो खून के अंदर होता है, 12.5 से 17.5 के बीच होना चाहिए, और अपना खाना पीना खाया होना बंदे ने, और अपना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ना करके दे तो ज़्यादा बेटर रहता है कि जो आगे पेशेंट को मिले वो स्वस्थ अच्छा ब्लड मिले। अब तक कितने लोगों ने दे चुके हैं रक्तदान? अब तक 20 बंदों का हो चुका है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर विशाल अलवालिया।